हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी बच्चों का स्वागत है। ओके, तो अब यहाँ पर हम टेंस की टेस्ट नंबर 6 कर रहे हैं। उसमें हम WH पास्ट कंटिन्यूअस के WH क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर 14 है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्लास का ये लेते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। बताइए क्या होगा, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। ओके, आपने कहा व्हाई वॉज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। 1 मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स दे दीजिए। चलिए अगला देखिए, तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। बताइए क्या होगा, व्हाई वॉज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली। व्हाई वॉज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली। व्हाई वॉज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली। फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं अगले, तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे। तुम वहाँ उस समय क्या कर रहे थे। What were you doing there at that time? बिल्कुल सही, What were you doing there at that time? Next question, राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा है, क्यों लग रहा है, मतलब यहाँ भाई से स्टार्ट होगा, बोलिए। Why is Rahul walking so slowly? Why is Rahul walking so slowly? ओके, वाई इज राहुल वॉकिंग स्लोली, है ना। वाई इज राहुल वॉकिंग, है ना, धीरे धीरे चलना, मतलब कि स्लोली हो जाएगा। ओके, वाई इज राहुल वॉकिंग स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे। ओके, यहाँ पर आप बाथिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वाई वर द पीपल बाथिंग इन द गंगा। वाई वर द पीपल बाथिंग इन द, देखिए रिवर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी नहीं लिखा है, ओनली गंगा लिखा है। ओके, सो वाई वर द पीपल बाथिंग इन द गंगा, इन द गंगा, चलिए इन द रिवर गंगा। अगर नदी गंगा लिखा होता तो रिवर आता, बट यहाँ पे नदी नहीं है तो केवल गंगा आएगा। ओके, वह तुमसे क्या कह रहा था। वॉट वॉज ही सेइंग टू यू। ओके, वॉट वॉज ही सेइंग टू यू, बिल्कुल सही, वॉट वॉज ही सेइंग टू यू, एग्जैक्टली। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु क्यों बना रहा था, रहे थे होगा यहाँ पे। ओके, रहे थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु क्यों बना रहे थे। यस, क्यों से स्टार्ट होगा, बोली क्या होगा। वाई डॉक्टर अब्दुल कलाम, वाई वॉज डॉक्टर अब्दुल कलाम, परमाणु, परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम, एटम क्या बोलते हैं, नहीं न्यूक्लियर को हिंदी में नाभिक बोला जाता है, परमाणु को एटम बोलते हैं, ठीक ना। यस, सो व्हाई वाज डॉक्टर अब्दुल कलाम मेकिंग द एटम, मेकिंग द एटम, एटम के सामने द लगाइए क्योंकि यूनिक होता है एटम, है ना। अगला, मायावती अपने भाषण में क्या कह रही थी। ओके, तो गलत है, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। देखिए, व्हाट वाज मायावती सेइंग इन हर स्पीच, अपने भाषण में, अपने के लिए यहाँ पे हर आएगा, यानी उसके भाषण में, और कहने की बात हो रही है, देखिए भाषण देने की बात नहीं हो रही है। अगर भाषण देना होता तो डिलीवरिंग हम बोलते, बट यहाँ पर कहने की बात हो रही है तो कहने में यहाँ पर क्या यूज होगा, सेइंग। सो व्हाट वाज मायावती सेइंग इन हर स्पीच। ओके, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। आपने इज लगा दिया तो आपको पहले ही 0 दे दीजिए, इज तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही, तो वू वॉज नॉकिंग ऑन द डोर, वू वॉज नॉकिंग द डोर भी सही है, या वू वॉज नॉकिंग ऑन द डोर, दोनों ही सही है। वू वॉज नॉकिंग द डोर या वू वॉज नॉकिंग ऑन द डोर। तुम किससे बात कर रहे थे, किससे। ओके, वूम, ओके, तो देखते हैं आपका सही है गलत है। बिल्कुल, whom were you talking to। ओके, किससे बात कर रहे थे, whom were you talking to, तो सही किसको, एक बार अच्छा सेंटेंस है लिख लीजिए, तुम किससे बात कर रहे थे, हिंदी में लिखिए, फिर इंग्लिश में लिखिए, whom were you talking to। ओके, whom were you talking to, whom were you talking to, डन। ओके, तो क्या होगा, whom were you talking to, तुम किससे बात कर रहे थे। ओके, तो whom were you talking to, है ना। आपको लगता होगा कि whom were you talking, है ना,
तो whom were you talking नहीं लगता है, इसमें आपको talking to लगाना पड़ता है, whom were you talking to, क्योंकि किस से, whom were, है ना, you talking to, बात करना, talking to पूरा का पूरा आता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, talking to, last में use होगा तो क्या use होगा, talking to, चलिए तो ये हो चुका है, अब next चलते हैं हम exercise number 25 की तरफ चलेंगे, okay? चलिए एक्सरसाइज नंबर 25 में अब हमारे पास आ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। चलिए तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, बताइए वाई, वाई वॉज यू, ओके तो यहाँ पर आप जीरो दे दीजिए क्योंकि तुम की बात हो रही है तो आपने वॉज लगा दिया तो बिल्कुल गलत हो गया, वाई वर यू, ओके वाई वर यू, वाई वर यू नॉट कमिंग टू आवर होम, टू आवर होम, चलिए देखते हैं, यस ये देखिए वाई वर यू नॉट कमिंग टू आवर होम, बिल्कुल सही है, बस यहाँ पर आपने वॉज लगाया था, यहाँ पे वर लगेगा वो क्योंकि यू है, यू के साथ क्या यूज होता है, वर यूज होता है, वाई यू वर यू नॉट कमिंग टू आवर होम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई वर यू नॉट कमिंग टू आवर होम, चलिए अगला है वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, Why was he not talking to me? बिल्कुल सही, Why was he not talking to me? क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला बताइए, स्कूल कौन नहीं जा रहा था, Who was not going to school? Very good, full marks, Who was not going to school? खाना कौन नहीं खा रहा था, Who was not eating the food? बिल्कुल सही है, Who was not eating the food? अगला क्वेश्चन, वह लड़की एक मधुर गीत क्यों नहीं गा रही थी, क्यों से स्टार्ट होगा, वाई, वाई वॉज दैट ब्यूटीफुल गर्ल, अरे दैट इज ब्यूटीफुल गर्ल क्यों आएगा भाई, वह लड़की लिखाएंगे, ओके मधुर गीत मतलब स्वीट सॉन्ग, वाई वॉज दैट गर्ल सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वाई वॉज दैट गर्ल नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, देखते हैं वाई वॉज दैट गर्ल नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, बिल्कुल सही, वाई वॉज दैट गर्ल नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्कूल के लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, ओके आपने कहा है वाई वर द बॉयज ऑफ दिस स्कूल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वेरी गुड बिल्कुल सही है, वाई वर द बॉयज ऑफ दिस स्कूल नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, एग्जैक्टली। अगला, माता जी खाना क्यों नहीं बना रही थी, ओके वाई वॉज द मदर नॉट कुकिंग द फूड, बिल्कुल सही, खाना पकाने को कुकिंग द फूड बोलते हैं, वाई वॉज द मदर नॉट कुकिंग द फूड, Why was the mother not cooking the food? Prepare, खाना पकाने को cooking में आता है बेटा। चलिए, बच्चे ताली क्यों नहीं बजा रहे, ताली बजाने clapping बोलते हैं, बच्चे ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, Why? Why were the children not clapping? Why were the children not clapping? Very good, बिल्कुल सही, one marks मिलेंगे आपको, Why were the children not clapping? बूढ़े गंगा में क्यों नहीं नहा रहे थे, Why were the old? आप सोचिए, वाई वर द ओल्ड, वाई वर द ओल्ड नॉट बाथिंग इन द गंगा, यस सो वाई वर द ओल्ड मैन, मैन कौन सा वाला, एम ए एन नहीं, एम ई एन वाला, मतलब कई सारे आदमी, ओल्ड मैन बूढ़े लोग, बूढ़े आदमी, समझ गए ना, तो देखिए एम ई, देखिए एक्चुअली बूढ़े का सेंस बूढ़े आदमी की तरफ ही जा रहा, बूढ़े लोगों की तरफ, वाई वर द ओल्ड मैन नॉट बाथिंग इन द गंगा या टेकिंग बाथ इन द गंगा, तो नोट कर लीजिए इसको, लिखिए वाई, लिखिए वाई वर द ओल्ड मैन, मैन की स्पेलिंग याद रखिएगा एम ई एन, प्लूरल है यहाँ पे इसलिए वर लगा हुआ है, अगर आप ओल्ड मैन लेते तो वॉज लगता है ना, यहाँ पे बूढ़े लिखा है, बूढ़ा नहीं लिखा है, वाई वर द ओल्ड मैन नॉट बाथिंग इन द गंगा। चलिए अगला बताइए, पेड़ पर कौन नहीं चढ़ रहा था, पेड़ पर कौन नहीं चढ़ रहा था, वो हाँ मैंने बताया था क्लाइंबिंग ऑन द ट्री बोले या क्लाइंबिंग द ट्री बोले, बात ये की होती है, ओके वो वॉज नॉट क्लाइंबिंग, अरे फिर से यहाँ पे इन लग दिया, बिल्कुल गलत है, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, वो वॉज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, बिल्कुल सही। तो ये हमारा रहा है क्या, हमने इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लिए हैं, ओके अब इसके बाद अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।